Ashutosh from Bloomberg TV India. My question to you, sir, you've said that the association, you will give a business of 1,000 crore to Patanjali in the next 20 months. So if you could elaborate on this one, sir. अगर आप देखेंगे तो हमारी जो लार्जेस्ट कंपनी है जिसके साथ हमारा लार्जेस्ट बिजनेस होगा, मैं समझता हूँ इफ सदाशिव इज हियर, यूनिलीवर के साथ हम लोगों का शायद 1300 से 1400 करोड़ का बिजनेस होगा ग्रुप में। तो हम चाहते हैं कि पतंजलि भी उस लेवल तक हमारे साथ बिजनेस करे। तो अगर आप टूथपेस्ट देखेंगे तो मैं समझता हूँ पतंजलि का शेयर टूथपेस्ट में ईजिली दे विल गेट अ मार्केट शेयर हमारी दुकानों में 10 से 20% के बीच में। इनको वेरियंट्स बढ़ाने पड़ेंगे टू गेट मच लार्जर शेयर। ऐसे आप इनका घी देखेंगे, इनके बिस्किट्स देखेंगे, तो इट्स ऑल अबाउट कैटेगरी का शेयर कितना इनको मिलेगा। तो जब हमने ये पूरा कैलकुलेशन किया लास्ट 2 महीनों में एंड वी केम टू अ कंक्लूजन दैट, एंड सेकंडली ये नूडल्स लॉन्च कर रहे हैं तो नूडल्स अलोन वाज क्लोज टू डीसी कैन टेल मी द नंबर्स बट इट नूडल्स एज अ कैटेगरी यूज टू बी क्लोज टू 70-75 crores विद अस। तो ये सब बिजनेस जितनी कैटेगरी में है हम लोग उसका परसेंटेज शेयर इतना उनको मिल जाए, तो वो बेसिस पे हम लोग ने कैलकुलेशन किया कि जो रन रेट है आई थिंक विल स्टार्ट विद द रन रेट ऑफ 30-40 crores अ मंथ एंड गोइंग अप टू 80 crores अ मंथ। एंड आज हमारी पूरी टीम यहाँ पे है, हम लोग सब आई थिंक हमारी टीम को कॉन्फिडेंस है, हम लोगों को कॉन्फिडेंस है, हम लोगों ने जो नंबर क्रंचिंग की है वो बेसिस पे हम लोगों को लग रहा है 80 crores अ मंथ इज़ अ वेरी पॉसिबल एंड ईजी टारगेट। शायद 20 महीने हमने ज़्यादा बोले हैं उनको, शायद जल्दी करके दिखाएंगे। आपने बताया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आप लगाएंगे, 5,000 crore का एम्पायर बनाएंगे पतंजलि को, इसके लिए क्या इन्वेस्टमेंट अगले 2-3 सालों में हम देख सकेंगे बाबा जी, कृपया ये बताने। देखिए हमने जब ये अभियान शुरू किया था तब क्योंकि हमारे जो 5 ट्रस्ट हैं उससे हमने 1 रुपये इस कंपनी के लिए नहीं लिया, क्योंकि हमें ट्रस्ट से अलग काम करना था, ये एक्टिविटी हम ट्रस्ट में नहीं कर सकते थे, लेकिन उद्देश्य हमारा ट्रस्टीशिप से काम करने का था, इसलिए बैंक से लोन लिया। और आज वर्किंग कैपिटल को छोड़ करके जितना भी लोन लिया था, सीसी लिमिट को छोड़ करके हमने 100% लोन बैंकों का चुका दिया, एक तरह से डेट फ्री कंपनी है पतंजलि आयुर्वेद। और उसको आगे जो विस्तार देने का है, हम अभी अलग अलग सेक्टर में 3 से 5% कैपेसिटी आने वाले 3 से 5 महीने में हम बढ़ाने वाले हैं। तो हमारा मकसद ये जो 5,000 crore आपको बताया है ये तो अभी मार्च तक अचीव करने का है, 2016-17 का हम मार्च के बाद आपको बताएंगे, क्योंकि शायद आप लोग अभी विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शुरू में जब कोई सपना होता है तो उसको लोग एक कल्पना मानते हैं, लेकिन उन सपनों को उन संकल्पों को हमने हकीकत में बदला है। और हमारे आदरणीय किशोर बयानी जी जो एक ने अपने कंपनी का एक सिंबल बनाया सोने की चिड़िया का, तो हमें भारत को वापस सोने की चिड़िया बनाना है। और उस दिशा में क्योंकि हम पहले ही हमारे करीब 5,000 अपने स्टोर्स हैं जिनको हम पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र कहते हैं, जहां हमारे इन सब के अलावा आयुर्वेदिक औषधियां भी हम देते हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है। और अब जिस फ्यूचर ग्रुप में 32 से 35 crore लोग हर वर्ष वहाँ विजिट करते हैं, 10 crore इनके यूनिक कस्टमर्स हैं, 3 crore लोगों का तो इनके पास डेटा है। तो एक जब हमने एक अच्छे इरादे के साथ हाथ मिलाया है और साथ चलने का संकल्प लिया है तो हमें एक अच्छे हमसफ़र मिले हैं, तो ये 5,000 crore का डेटा हम क्रॉस करेंगे। मैगी को लेके आपने अभी हल्का से हिंट्स दिया कि कब तक, और मैगी के जब उस वक्त बवाल कटा था आपने कहा भी था कि पतंजलि मैगी बनाएगा, हम जाना चाहते हैं। मैगी तो उनका अपना इंडिविजुअल ब्रांड है, लेकिन नूडल्स कब तक, बाबा रामदेव की मैगी कब तक मार्केट में आ जाएगी, एक सवाल। पतंजलि का नूडल हम एक दोबारा फंक्शन करेंगे और आप सब पत्रकार भाइयों को सबसे पहले खिलाएंगे, वहां से इसकी लॉन्चिंग होगी और जितने भी हमारे विरोधी लोग हैं उनको पार्सल करके भेजेंगे पहले, जिससे कि वो उसकी लैब में रिपोर्ट टेस्टिंग अच्छे से करवा लें प्रामाणिक तौर पर। तो पतंजलि
नूडल 15 अक्टूबर से बाजार में मिलना शुरू हो जाएगा और इस महीने के अंत तक पूरा हिंदुस्तान फुलफिल कर देंगे। बिग बाजार से लेकर के पूरा हिंदुस्तान का बाजार पतंजलि नूडल से भरा हुआ होगा। और इसकी खास बात यह होगी कि यह आटा नूडल होगा और मैगी वाले 25 रुपए का नूडल बेच रहे थे, पतंजलि उसको 25 का नहीं बेच करके 15 का देगा और खर्चा उनसे ज़्यादा करेगा। वो थोड़ा सा आटा मिला रहे थे, 10% आटा मिलाते हैं और आटा मैगी कह देते हैं, क्योंकि FSSAI के नियम ही कुछ ऐसे बने हुए हैं, आप 10% आटा मिला दो और आटा नूडल लिख सकते हो। दूसरी बात, वो सबसे सस्ता और एक घटिया सा तेल होता है पाम ऑयल, उससे बनाते हैं। हमने उससे 2.5 गुना लगभग महंगा होता है राइस ब्रान ऑयल, तो हम राइस ब्रान ऑयल से उसको तैयार कर रहे हैं। और जो हमारे जो टेस्ट मेकर होंगे वो एडिक्शन पैदा करने वाले तो नहीं होंगे, लेकिन हमारा टेस्ट मेकर हेल्थ मेकर होगा इसमें, तो ये एक उसकी डिफरेंट उसकी विशेषता होगी। और इसके साथ साथ जो है ये मैगी के प्रति एक लोगों में बहम पैदा हो गया था, कुछ उसमें हकीकत थी कि भाई अब नूडल नहीं खाएंगे। बोलो नूडल्स में तो MSG होता है, लेड होता है, तो ये जो नेचुरल रूप में तो जितना लेड किसी भी वाटर में, सोयल में या वेजिटेबल्स में, वो उसकी एक लिमिट बनाई है, उस लिमिट से आधे से भी कम नेचुरल चीज़ों में होता है। तो कोई एडेड MSG या लेड आदि के से कोई खतरा नहीं होगा। तो पतंजलि नूडल का हमने स्लोगन बनाया है, झटपट पकाओ और बेफिक्र खाओ। मैगी की एक जो पॉपुलैरिटी की बड़ी बात है कि वो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, 2 मिनट में। तो आपका जो नूडल्स होगा वो कितनी देर में तैयार हो जाएगा? इसलिए मैंने कहा ना, झटपट बनाओ बेफिक्र खाओ, तो जितनी देर में वो मैगी तैयार होता था उससे आधा मिनट फालतू मान लो, वो 2 मिनट में तैयार होता था। तो ये आटा से बना हुआ इसलिए 2.5 मिनट लग जाएंगे, तो 30 सेकंड में धरती प्रलय होने वाली नहीं है। और बाबा जी, नूडल के साथ साथ क्या बाकी और पास्ता या बाकी और चीजें भी लॉन्च करने का है? इंस्टेंट फूड में हम पूरी तरह उतर चुके हैं, लेकिन इंस्टेंट फूड में हम हेल्दी फूड ही प्रोवाइड करेंगे। कॉर्नफ्लैक्स, चोको, म्यूसली, ओट्स, अभी हम जो है जूस भी लेकर के आ रहे हैं और इसमें पास्ता भी लाएंगे, लेकिन वो सब हेल्दी होगा, इंस्टेंट हेल्दी फूड। और आगे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और ऑर्गेनिक पल्सेस, ऑर्गेनिक राइस, इस संदर्भ में भी हमारे किशोर बयानी जी की बहुत ही तेजस्विनी बेटी है अवनी जी के साथ में श्रद्धे आचार्य जी ने एक नया कॉन्टेक्ट किया है। अवनी जी और श्रद्धे आचार्य जी मिलकर के इस संदर्भ में भी हम लोग ऑर्गेनिक फूड को प्रोवाइड कराने में भी आगे एक बड़ा काम कर रहे हैं। मेरा सवाल थोड़ा बहुत इकोनॉमी से भी जुड़ा हुआ है। अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो इकोनॉमी को बल देने के लिए कह रहे हैं कि विदेशी इन्वेस्टमेंट लाओ, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिले, और आपने भी मोदी सरकार को अपना समर्थन दिया है। एक तरफ आप विदेशी कंपनियों को कह रहे हैं कि वो भारत में आए, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोले, और दूसरी तरफ इस तरह का जो अभी आपने अनाउंसमेंट की, आपने बोला कि मल्टीनेशनल कंपनीज को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो होनी चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि आप एक तरफ इन्वेस्टमेंट को बुला रहे हैं और दूसरी तरफ उसी का बहिष्कार कर रहे हैं? देखो, प्रधानमंत्री जी ने देश के संविधान से बंधे हुए हैं और उसमें भी जो ट्रीटीज़ कर रखी हैं WTO के साथ उससे बंधे हुए हैं। बाबा रामदेव ने WTO के साथ कोई ट्रीटी नहीं कर रखी है, इसलिए बाबा रामदेव बहिष्कार का आह्वान कर सकते हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बहिष्कार का आह्वान नहीं कर सकते। हमने भी ये नहीं कहा कि उनको भगाओ, उनको जो है जहाँ जहाँ पर भी विदेशी सामान है उसको जलाओ। महात्मा गांधी ने तो ये काम भी किया था, विदेशी सामानों की होली जलाई थी। हमने इतना ही कहा है कि आपको बिग बाजार से लेकर के पूरे बाजार में स्वदेशी सामान भी मिल रहा है, विदेशी सामान भी मिल रहा है,
अब ये भारतीयों के ऊपर छोड़ दीजिए, ये तो भारत के लोगों का संवैधानिक और मौलिक, दिस इज फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशन राइट ऑफ इंडियन सिटीजन्स। तो ये तो एक, जहां तक विदेशी कंपनियों का प्रश्न हम कहते हैं, टेक्नोलॉजी का कोई विरोध नहीं, और अब तो टेक्नोलॉजी हमारे हिंदुस्तानियों के पास कोई कम है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैंसर का इंस्टीट्यूट है एमडी एंडरसन, मेरी वहाँ पर 3 बड़ी मीटिंग हुई वहाँ के चेयरमैन और प्रेसिडेंट के साथ, वहाँ के डॉक्टर्स के साथ। उन्होंने भी माना अपने हॉस्पिटल में, वहाँ पर उन्होंने नमक कम खाओ, कॉफ़ी कम से कम सेवन करो, और तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है। अब वहाँ मीट पर भी प्रतिबंध लगाने की बात आ रही है, केवल गोमांस पर नहीं, मीट पर ही। रेड मीट जो है वो कैंसर को इंक्रीज करता है। तो यदि मुझसे कोई साइंटिफिकली पूछे तो मांस खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरी बात, हम नॉन वायलेंस की बात करते हैं, तो आदमी को मारना ही तो वायलेंस नहीं है ना, गाय भैंस किसी भी पशु को मारना वायलेंस है, इसलिए हमें नॉन वायलेंट होना चाहिए, इसलिए शाकाहार अपनाएं तो श्रेष्ठ है। बाकी तो इंसान जो भी कुछ करे वो स्वतंत्र है। मेरे 2 सवाल हैं बियानी साहब से। बियानी साहब, आप समय समय पर अपने स्टोर में, जैसे अभी आपने पब्लिक हॉलीडे सेल चलाया, उसी तरह सेल चलाते रहते हैं, और उस दौरान शायद ही FMCG की कोई वस्तु हो जो MRP से नीचे नहीं बिकती हो। अभी तक हमने देखा है बाबा रामदेव का सामान MRP पे बिकता है, तो क्या आप इस पे भी सेल चलाएंगे, इस पे भी ऑफर होगा? हमारे से आचार्य जी ने लिखवा के लिया है कि हम इनके प्रोडक्ट डिस्काउंट नहीं करेंगे। भैया, इस विषय में मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ आपको। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। दरअसल घर से तो कोई देता नहीं है, घर से कोई नहीं देता है। अब बियानी साहब भी देने शुरू कर देंगे तो तो अब बात यह है, हम लोगों ने पतंजलि के प्रोडक्ट में इतना मिनिमम, हमने एक तरह से समझिए कि उसमें प्रॉफिट रखा है या मार्जिन रखा है, कि उसमें कम होने पर वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हम लोग उस लेवल पर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने आपको पहले से MRP इतना रखा हुआ है, क्योंकि हमारी हिंदुस्तानी दरअसल क्या है, एक मानसिकता बन गई है, 1 के साथ 1 फ्री, 2 के साथ 3 फ्री, और इसीलिए वो जो कंपनी है उसका MRP इतनी ज़्यादा रखती हैं, क्योंकि मैं इसके संदर्भ में कि वो पहले से ही वो लोग ऐसा सोचते हैं कि इनको डिस्काउंट तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, दुकान में जाए तो पहले कहें कितने की चीज़ है, 50 रुपये की चीज़, कहेंगे 100 रुपये की है, पर तुमको जो है ना 20 रुपये छूट दे देते हैं। आदमी को लगा मैं छूट कर करके सस्ते में ले आया, उसको पता नहीं कि 30 रुपये जेब पहले से कट चुका है। तो ऐसा पतंजलि नहीं करता है। और हम ये भी चाहते हैं, सदैव स्वामी जी की एक इच्छा है कि पतंजलि मतलब बहुत उत्तम हो, गुणवत्ता वाला हो, सस्ता हो, परंतु वहाँ नेगोशिएशन या छूट और 1 के साथ 1 फ्री इस तरह के कॉन्सेप्ट में स्कीम का प्रोडक्ट ना बने, वह गुणवत्ता का प्रोडक्ट बने, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। धन्यवाद। अच्छा बियानी साहब, दूसरा सवाल मेरा ये था कि आपका फूड पार्क है ऑलरेडी बेंगलोर में, और आपका अपना व्हाइट लेवल ब्रांड भी है, तो आपके कई अपने ब्रांड से पतंजलि का ब्रांड कंपटीशन करता दिखता है, तो इससे क्या आपका अपना बिजनेस इंटरेस्ट हार्म नहीं होगा? एक दुकानदार तो सभी का माल बेचता है, तो ये जब मार्केट में हमारा प्रोडक्ट भी कम्पीट करेगा, हिंदुस्तान लीवर का भी कम्पीट करेगा, PNG का भी कम्पीट करेगा, और पतंजलि का कम्पीट करेगा, जिस प्रोडक्ट में दम होगा वो प्रोडक्ट बिकेगा। अच्छी बात कही हमारे किशोर बहन जी ने, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, उससे उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा और लोग क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए और अग्रसरित होंगे। तो ये तो एक अच्छी शुरुआत हुई है, हाँ? जो है ना, सांच को आँच नहीं, आदमी को डरना नहीं चाहिए किसी से भी। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान में तो बहुत फेमस हो चुके हैं, जैसे आपने बताया कि 5,000 स्टोर्स ऑलरेडी हैं, तो आप नहीं चाहेंगे कि विदेश में ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब वहाँ के लोगों को भी आपके प्रोडक्ट्स चखने का मौका मिले? बाहर के फ्यूचर आपके फॉरेन प्लान्स क्या हैं? अभी 2016 में हम इसके लिए एक बड़ी योजना बना रहे हैं, तो उसके लिए हम दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यही अभी हमने अपना एक्सपोर्ट बहुत कम लेवल पर किया है, क्योंकि इंडिया के मार्केट को फुलफिल करने के लिए हमारे पास में अभी काफ़ी गुंजाइश थी, और हनी के बारे में हम काफ़ी काम कर रहे हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए, पतंजलि हनी ये भी अपने सेक्टर में देश का बहुत बड़ा ब्रांड है, और मुझे लगता है इस बार
देश का सबसे बड़ा ब्रांड होगा इस फाइनेंशियल ईयर में पतंजलि हनी। इसी तरह से पतंजलि गाय का देसी घी, ये घी के सेक्टर में देश का सबसे बड़ा ब्रांड रिटेल में ऑलरेडी हो चुका है। ऐसे दंत कांति, केश कांति, ऐसे हमारे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं। तो इनको पहले हम इंडिया की मार्केट को फुलफिल कर रहे हैं। 2016-17 में विदेशों में भी पतंजलि की बड़े रूप में धूम मचेगी। सर, एज ऑफ मार्च 2015 योर डेट वाज ओवर 4,000 करोड़, सो डू यू हैव एनी प्लान्स टू ब्रिंग इट डाउन फर्दर? जब पतंजलि ने अपना डेट कम कर लिया तो हम भी कम कर लेंगे। मेरा सवाल किशोर बियानी जी से है। किशोर जी, अभी दो दिन पहले कुमार मंगलम जी ने बयान दिया था कि ई कॉमर्स जो है भारत में बहुत अभी घाटे में ही हैं सारे, तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं अपने रिटेल बिग बाजार की चेन के लिए? फ़ायदेमंद है आपके लिए, ग्रोथ है, या आप भी उन्हीं से? आई थिंक देखिए, अल्टीमेटली एक प्रोडक्ट है और एक ब्रांड है जो कि कस्टमर ऑर्डर करना चाहता है और लेना चाहता है। वो शायद फिजिकल स्टोर से लेवे या ऑनलाइन से लेवे, कस्टमर का चॉइस है। पर जो बिजनेस करता है ऑनलाइन का फिजिकल का, उसकी कॉस्ट क्या है आपको कस्टमर को डिलीवरी करने में? आज की तारीख में ई कॉमर्स की जो कॉस्ट है, मैं समझता हूँ 40-53% ऑफ सेल्स आती है। तो उसमें ऐसे कोई प्रोडक्ट में मार्जिन नहीं है ना, हमारे को ये इतनी मार्जिन दे रहे हैं कि हम ई कॉमर्स से इनका माल बेचें। मैं अर्णब बात कर रहा था बिजनेस स्टैंडर्ड से। जी सर जी, आपने कुछ देर पहले खादी के बारे में बात की, तो आप क्या खादी इंडस्ट्री में भी इंटरेस्ट रखते हैं इन फ्यूचर? आर यू गोइंग, मतलब आप जाना चाहेंगे प्रोडक्शन में? हमारा जो स्वदेशी का संकल्प है वो बहुत वाइड है, बहुत व्यापक है, इसलिए हमने सभी रास्ते अभी खोले हुए हैं। और सरकार को भी हमने सजेशन दिया था कि जिस खादी की लगभग मौत हो चुकी है, जो महात्मा गांधी का स्वदेशी का सपना मैंने कहा सब्सिडियों पर चल रहा है, हम उसको भी प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। लेकिन अभी उस दिशा में हमने अपना एक प्रस्ताव दे दिया। इस सरकार से कोई प्रोजेक्ट लेना, कोई बजट लेना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है एक स्वस्थ परंपरा, स्वदेशी परंपरा को आगे बढ़ाना। तो खादी को लेकर के भी फ्यूचर में हमारे सामने जो भी ऐसे प्रस्ताव आएंगे, प्रश्न आएंगे, उस संदर्भ में भी आगे हम काम कर सकते हैं। बाबा जी, इसी का एक एक्सटेंशन है कि एमएसएमई से आप लोगों का एक एमयू शाइन भी हुआ था खादी को लेकर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर, उसका क्या स्टेज है और किन किन कोर एरिया में आप लोग काम कर रहे हैं? हमने खाली प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके दी थी, कोई एमओयू अभी गवर्नमेंट से साइन नहीं हुआ है। जब एमओयू साइन होगा तो किशोर बयानी की तरह फ्यूचर ग्रुप की तरह हम उसको आपके सामने शेयर करेंगे। स्किल डेवलपमेंट को लेकर के अभी काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर के, और इसको सब्सिडी से बाहर निकालने के लिए एक हमने प्लान दिया हुआ है ऑलरेडी, उसमें जब भी अनाउंसमेंट होगा तो आपको बताएंगे। बोला कि प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ आप बढ़ाएंगे, 4-5 यूनिट आगे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में आप और जानकारी दे सकते हैं कहाँ पे ये प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ आएंगी और कि अगले कितने साल में ये प्रोडक्शन कैपेसिटी? इसमें हमारा लक्ष्य होगा लगभग पूरे भारत को हम कवर करें। इसमें जैसे साउथ में हमारे ऑलरेडी भाई कर रहे हैं, उधर भी हमारा वो हमारी प्राथमिकता है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दूसरे भी देश के हिस्से। अभी चंद्रबाबू नायडू जी ने प्रस्ताव भेजा है वहाँ एक फूड पार्क बनाने का आंध्र प्रदेश में। तो इस तरह से अलग अलग दिशाओं में पूरे भारत में हम इस कार्यक्रम को लेकर के जाएंगे। सर, माय क्वेश्चन इज टू मिस्टर बियानी। सर, व्हाट आर योर एक्सपेंशन प्लान्स? आर यू प्लानिंग टू ओपन मोर रिटेल स्टोर्स इन दिस ईयर? I think Big Bazaar, if you look at Big Bazaar, 198 stores, 110 cities, 15 easy day adds up to, वो Big Bazaar हो जाएंगे अक्टूबर 25 को, तो वो हो गए 213, और ये साल we are opening around 30 stores, तो Big Bazaar का expansion नहीं 28-30 दुकान next 12 months में है। बाकी हमारी जो chain है, small chain, KB's, Fairprice, Nilgiri's and easy day, I think वो दुकानें हम लोगों का plan है in the next 3-4 years to be 4,000 stores. And also premium store, food hall. Food hall, एक स्टोर आ रहा है जू में नया, तो ऑलरेडी 6 दुकानें हैं। वो कहाँ पे आ रहा है सर? जू, जू। With the food regulator getting very stringent recently, as we saw the Maggi controversy, does it bother you when products like HUL Nor was also recalled from the market? When you tie up for more food products with your retail chain, does it bother you the regulatory system which is not very clear and the frameworks are not very clearly drawn?
in anything new regulation which comes into the country creates some issues, and I think it's a transition phase wherein the industry has to understand the regulator and the regulator has to understand the industry. I think that's a process which happens, and oh, manthan se there is an answer which comes out. I believe things stabilizes after that. And sir, another thing about the online wallet, you have been talking about it coming soon. So is there anything you would want to share on that part? What? I think there's nothing to talk about online. When are we seeing? Okay. I think we are launching a particular product which will be very exciting. I think Sadashiv just tells me that we are ready to launch a product which is a very interesting product. It is called a price match wallet, which we are going to launch. We are ready to launch it. We are just waiting for maybe the next few days to launch it. That you can buy, if you buy anything from Future Group outlets, or firstly, particularly Big Bazaar, and you scan your bill, and if anybody is selling cheaper than us, you will get money back in your wallet. So that will be a product which we are ready to launch. Any dates on that? Thank you.
करने के लिए ना डाइट के लिए, क्योंकि हम ना ये जो आपको तो है ही नहीं दादा, फिर ये आंवला देती हूँ बाबा जी को, आचार्य जी को और इनकी टीम को। ये पतंजलि तो हम कह सकती हूँ कि हमारे देश की शान है। ऐसे का फूड ब्लॉक मैंने दुनिया के किसी कोने में नहीं देखा है, जो इन्होंने इस स्थान में इतना कुछ बना दिया है। कितने लोगों का भला नहीं, कितने किसानों का भला, और इसको एक नमूना बना के पूरे देश में नहीं दुनिया में अडॉप्ट किया जाए। मैं तो बाबा जी को ये प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे और भी देश के दूसरे कोनों में बनाए। बहुत ही कोई चीज छोड़ी नहीं, कॉस्मेटिक से, दवाई से, आटा से, हर सब्जी, कोई ऐसी चीज नहीं है जो यहाँ पे बन रही है। और मैं तो बधाई देती हूँ कि ऐसी चीज मैंने ना आज तक देखी है, और बहुत बड़े बधाई के पात्र है कि कैसे डेढ़ साल के अंदर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर देश की शान बनाई है पतंजलि फूड पार्क। बहुत बढ़िया, आपका अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद।